दोस्तों नमस्कार, और मेरे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेगर एडवोकेट, और आज का विषय है कि कोई आपने जमीन खरीदी हुई है, उस जमीन का दाखिल खारिज कराने की लास्ट सीमा क्या है, कितने दिनों तक आप दाखिल खारिज नहीं करा पाए हैं तो आप करा सकते हैं, या 10 साल 20 साल 50 साल पुराना कोई दाखिल खारिज कराना है तो आप कैसे कराएंगे, माने वर्तमान की खतौनी में आप अपना नाम कैसे लाएंगे, आज इस संबंध में वीडियो है। दोस्तों कई हमारे सम्मानित व्यूअर्स ने ये बात पूछी। दोस्तों मैं आप सभी लोगों का बहुत सम्मान करता हूं जो भी हमारे चैनल पर कुछ भी पूछते हैं, और एक निवेदन है कि कुछ भी ऊट पटांग ना पूछें। हमारा ये मैं एडवोकेट हूं और मेरा चैनल है, ऊट पटांग कुछ भी पूछने पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जैसे कुछ लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो ये कोई उल्टे सीधे किसी आदमी का चैनल नहीं है। आपको जानकारी अच्छी लगे आप लीजिए, आपको अच्छा ना लगे आप चैनल छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम ऐसी कोई बात ना कहिएगा जो समाज में या सुनने में असभ्यता या बुरा समझ में आए। आप न्यायपालिका को अगर गाली देंगे पब्लिकली तो आपको किसी भी समय कंटेम्प्ट के मामले में लाया जा सकता है। कंटेम्प्ट के बारे में मैं अभी एक वीडियो बना दूंगा, सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है। और ऐसे मामलों में दोस्तों सबसे पहले आदमी की संपत्ति को कुर्क करके कोर्ट में जमा कर दिया जाता है, सारी एकड़ी निकल जाती है। अच्छे अच्छे मैंने देखे, बाद में आदमी माफी मांगता है। तो दोस्तों आज मैं, चूंकि विषय दूसरा है इसलिए कभी इस विषय पे बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का विषय है कि बहुत ज्यादा पुराना आपका बैनामा हो गया है या कोई गिफ्ट डीड हो गई है और आपका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में आया ही नहीं है, माने खतौनी आपके नाम नहीं आ रही है। खतौनी अभी उसी व्यक्ति के नाम आ रही है जिस व्यक्ति का नाम पहले था, जिसने आपको बैनामा किया है, और वो बैनामा आपके पास उपलब्ध है, रखा हुआ है, या दो बार बैनामा और हो चुका है। क्योंकि बैनामा बैनामे को देख करके ही किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की जमीन है, उस व्यक्ति ने एक किसी दूसरे व्यक्ति को जमीन बेची, उसने दाखिल खारिज नहीं कराया, और उस दूसरे व्यक्ति ने आपको बेच दी, आपका भी दाखिल खारिज नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आप अपनी जमीन का दाखिल खारिज कैसे करवाएं, आज इस गहन विषय पर वीडियो है। इसमें बहुत सारे लोग पूछते भी हैं और ये उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या करें। लोग तहसीलदार के न्यायालय में जाते हैं, वहां मना कर दिया जाता है, या अगर कोई प्लाट है किसी का। देखो दोस्तों प्लाट दो तरीके का है, एक प्लाट है एग्रीकल्चरल लैंड में, जैसे मान लीजिए किसी का खेत है सड़क के किनारे, और उस खेत में आपने 100 वर्ग मीटर, 50 वर्ग मीटर या 25 वर्ग मीटर, 5 वर्ग मीटर, जितनी आपकी क्षमता थी आपने एक बैनामा करा लिया। और जब आपने बैनामा करा लिया है तो आपका नाम उस रेवेन्यू रिकॉर्ड में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो कल को उसके उसकी मृत्यु हो जाने पर, जो भू स्वामी है उसकी जैसे ही मृत्यु होगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके अन्य जो भी उत्तराधिकारी उनका नाम दर्ज हो जाएगा, आपका कुछ नहीं आएगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अगर आप दाखिल खारिज करा लेते हैं उस लैंड का, तो दाखिल खारिज से एक फायदा है, मालिक तो आप बैनामे से ही हो गए, रेवेन्यू रिकॉर्ड तो एक अलग मैटर है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम आ जाने से प्राइमा फेसाई माने प्रथम दृष्टया जैसे ही कोई व्यक्ति आपको देखेगा खतौनी में रेवेन्यू रिकॉर्ड में, तो उसको पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति पे, ये व्यक्ति जो है फला फला, ये इस जगह पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, अर्थात जरिए बैनामा आए हुए हैं। अगर आपका नाम नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि आप भी इसमें, आपका शेयर है या आप मालिक हैं। इसके अलावा जो भी थोड़ा बहुत लगान आप पे बनता है, जिसको मालगुजारी कहते हैं, वार्षिक लगान, वो भी आप देना शुरू कर देते हैं, चाहे भले ही वो 25 पैसे हो, 5 पैसे हो, क्योंकि आपका नाम आएगा उसमें, शेयर होगा, इतने बटे इतने भाग है, 1/इतनेवा भाग है, तो आप उसमें उस लगान का भुगतान करेंगे तो उससे भी आपको कुछ मजबूती मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं भविष्य के लिए। तो दोस्तों कोई समय सीमा ऐसी निश्चित नहीं है, क्योंकि तो जैसे ही खतौनी चेंज हो जाती है, फसली वर्ष बदलता है, आपकी रजिस्ट्री, वैसे नियम यह है कि रजिस्ट्री आपने करवाई तो रजिस्ट्री ऑफिस से ही, जो भी वकील साहब आपकी रजिस्ट्री करवाते हैं, वो एक दाखिल खारिज का प्रार्थना पत्र नायब तहसीलदार के यहाँ दाखिल कर देते हैं, और उस नायब तहसीलदार के यहाँ वहाँ से नोटिस जारी होती हैं विक्रेता को, क्रेता को, और इसके बाद में
वो दाखिल खारिज कर दिया जाता है। सम्यकता मिली और सूचना के बाद इश्तहार जारी होते हैं, ग्राम सभा को भी सूचना जाती है कि कोई ऑब्जेक्शन हो तो आ जाए। उसमें अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है तो मामला पड़ा रहता है, अगर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं, आपने दाखिल भी नहीं किया, तब क्या हो? तो दोस्तों बाद में आप, सबसे अच्छा विकल्प है आपके पास कि अगर आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाया है या खारिज कर दिया गया है, तो बहुत लंबे अंतराल के बाद भी आप अपने अधिकारों की घोषणा का वाद तहसीलदार या एसडीएम के न्यायालय में ला सकते हैं। आपके अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेवेन्यू कोड हैं। मेरे पास यहाँ इस समय मध्य प्रदेश की रेवेन्यू कोड रखी हुई है, उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू कोड रखी हुई है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की है। पहले उत्तर प्रदेश में यूपी जिटे, जो यूपी और उत्तराखंड दोनों के लिए हुआ करता था, अब जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है 2006, वो केवल उत्तर प्रदेश के लिए है। ऐसे ही प्रत्येक राज्य का अपना अलग अलग रेवेन्यू कोड है। रेवेन्यू कोड का मतलब है कि जो वहाँ की कृषि भूमि है, माने खेती पाती की, जंगल की जमीन है, चरागाह तालाब है, जो भी वहाँ, जैसे रेवेन्यू कोड का अर्थ है कि उस राज्य में जितनी भी जमीन है, भाई जमीन पे ही तो व्यक्ति रहता है, धरती का टुकड़ा ही जमीन होता है, उस पूरी जमीन पर कौन सी विधि लागू होगी, तो उन जमीनों पर वही, वहां की रेवेन्यू कोड लागू होती है। केवल उस क्षेत्र को निकाल दिया जाता है जो या तो नगर पंचायत है, या नगर पालिका है, या नगर महापालिका है, या नगर निगम है, उन क्षेत्रों को निकाल दिया जाता है। और कुछ ऐसी लैंड है जो फॉरेस्ट लैंड है, माने वन भूमि है, उसके लिए भारतीय वन अधिनियम बना हुआ है, वो लैंड भारतीय वन अधिनियम से गवर्न होती है। तो दोस्तों जब आप जिस जहां पर रहते हैं उस राज्य की, क्योंकि मैं जो ये वीडियोस बनाता हूँ ये पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में लोग देखते हैं, हालांकि विदेशों में भी देखते हैं, जो लोग भारत में रह रहे हैं, भारत के निवासी रहे हैं, उनकी यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं और इस समय वो विदेश में है, वो लोग भी देखते हैं। तो दोस्तों ऐसे मामलों में आप जिस राज्य में रहते हैं वहां की अपनी रेवेन्यू कोड, माने राजस्व संहिता, या वहां की जो भी जमींदारी एवोल्यूशन की कोड हो, उस कोड में आप में आपका दिया होगा कि संक्रमणी भूमि दर के अधिकारों की घोषणा के लिए वाद, तो वो वाद अलग अलग कैटेगरी है, कहीं एसडीएम को नॉमिनेट किया गया है, कहीं तहसीलदार को किया गया है, और ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की कोर्ट होती है। दोस्तों ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन पर कभी और वीडियो बना देंगे कि प्रारंभिक अधिकारिता क्या होती है। तो प्रारंभिक अधिकारिता जिस न्यायालय को हो, तहसीलदार को या एसडीएम को, वहां आप अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला सकते हैं, और उस अधिकारों की घोषणा के वाद में आप साक्ष्य में जैसे ही अपनी वो रजिस्ट्री पेश करेंगे और स्वयं साक्षी बनके, और जिसने आपको रजिस्ट्री की थी उसको पेश करके, और उसमें जो दो गवाह होते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये प्रोविजन है कि दो गवाहों के मध्य ही डिस्पोजल होगा, तो उन गवाहों को आप जैसे ही वहां प्रेजेंट कराते हैं, ये आपका साक्ष्य हो गया, तो इस साक्ष्य के आधार पर एक आर्डर होगा दोस्तों, और उस आर्डर के बाद म्यूटेशन आपका हो जाएगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड में आपका उस स्टेज पर भी नाम आ जाएगा। इसके अलावा कहीं चकबंदी आ रही होगी, तो चकबंदी अधिकारी जब सर्वे करते हैं तो सर्वे करने में वो देखते हैं कि इस पर पजेशन किसका है, नाम किसी का भी लिखा है। तो दोस्तों जब पजेशन आपका होगा, क्योंकि आपने बैनामा कराया है तो पजेशन जाहिर है आपका होगा, और अगर आपका पजेशन नहीं है, केवल बैनामा है, तो बैनामा फर्जी होगा, क्योंकि बैनामे की कभी लैंग्वेज पढ़ना तो उसमें लिखा होता है कि मैंने अपनी ही भांति, जो बेचने वाला है वो लिखता है कि मैंने अपनी ही भांति क्रेता का कब्जा करा दिया है, अब मुझे और मेरे बारिशानों को कोई दखल व आपत्ति नहीं होगी, पहले उज्र ना होगा, ये शब्द लिखा जाता था। तो जब आपको कब्जा करा दिया है और कब्जा आपका छीना किसी ने है नहीं, तो कब्जा आप ही का है ना। अगर आप ही कहते हैं कि हमारा कब्जा नहीं है, तो इसका मतलब है कि जब आपको बैनामा हुआ था तो आपको कब्जा नहीं मिला था, और अगर कब्जा नहीं मिला था तो बैनामा शून्य है, क्योंकि बिना कब्जे के ट्रांसफर के, ये संविदा की, ये बैनामे की एक शर्त है कि प्रतिफल दिया गया हो, कभी इस पे बाद में बात करते हैं किसी अन्य वीडियो, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, 10 मिनट से ऊपर है। तो दोस्तों कब्जा अगर नहीं मिला है तो वो बैनामा जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। इन छोटी छोटी बातों पे बहुत विशेष ध्यान देना होता है। आपका केवल इतने से ही म्यूटेशन हो जाएगा, आपका नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में आ जाएगा,
और अगर चकबंदी हो रही तो चकबंदी अधिकारी आपका नाम दर्ज कर देंगे। इसके अलावा भी अगर कोई आप लोगों को ऐसी बात है जिस पर विशेष कोई वीडियो बनाने के लिए कहना, तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उन पर ढूंढ करके जरूर वीडियो बनाता हूँ, याद रहता है, तो बार बार आप याद दिलाइए अगर कोई ऐसी समस्या है। इसके अलावा दोस्तों हम CM4 ऐप पर भी अवेलेबल हैं, हमसे कोई भी व्यक्ति बात करना चाहे तो बहुत ज्यादा नहीं है, 10 रुपए पर मिनट हमने चार्ज रखा हुआ है, आप बात कर सकते हैं। और कंसल्टेशन फीस में कोई भी कंसल्टेशन चार्ज नहीं लेता हूं, केवल वही जो मिनट का चार्ज है वो दे करके आप बात कर सकते हैं। और दोस्तों ये सर्विसिंग इसलिए रखी है कि मैं प्रैक्टिशनर एडवोकेट हूं, ज्यादातर समय कोर्ट में रहता हूं, अब पता चला मैं कोर्ट में हूं, फ्री में लोग फोन मिला रहे हैं, तो इससे समस्या होती है। जेन्युइन पर्सन जिसको आवश्यकता है, जो पैसे खर्च करके बात करेगा वो लिमिटेड बात करेगा। आप लोग जब भी चाहें हमसे बात करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं समय होगा तुरंत आपका फोन उठाऊंगा। और कभी ये भी ना सोचें कि आपने फोन मिलाया नहीं उठ पाया, अगर कहीं व्यस्त हूं, कोर्ट में कहीं बहस जिरह हो रही है तो उसमें बात नहीं हो पाती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।